अब की बहुत ही बड़ी खबर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अभी अभी की बहुत ही बड़ी अपडेट जारी, मैट्रिक और इंटर के छात्रों का 3 दिन में होगा रिजल्ट जारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी जानकारी लाइव प्रूफ देंगे। दोस्तों बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री ने मिलकर 3 दिन में रिजल्ट जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में यह बड़ी अपडेट दी है। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिजल्ट कैसे चेक करना है लाइव प्रूफ। दोस्तों साथ ही साथ रिजल्ट चेक करने में क्या क्या चीजें लगेगा, यानी स्कूल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास रोल नंबर या स्कूल कोड या डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सारी जानकारी देंगे। और 3 दिन में रिजल्ट आपका जारी होगा, कितने स्टूडेंट्स पास होंगे, कितने स्टूडेंट्स फेल होंगे, कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल के अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देर न करते हुए लाइव प्रूफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की तरफ से आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट व मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने के लिए बिहार बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों बिहार बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बिहार बोर्ड का। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी न्यू नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है सबसे पहले, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ये सब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप भी फटाफट जुड़ जाइए सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB 12th रिजल्ट घोषित करने के दिशा में लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। वहीं बिहार बोर्ड की तरफ से 10th एग्जाम 2022 का रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के छात्रों की। जताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB 12th एग्जाम 2022 का रिजल्ट इसी माह में जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा देने के लिए अगर आप लोग परीक्षा देने के बाद मैट्रिक और इंटर के छात्रों का परीक्षा देने के बाद अगर आप सभी लोग पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और ITI, BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं, वहीं पर BSEB 10th एग्जाम परिणाम इसी महीने आखिरी तारीख तक या अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है। कॉपियों की जांच के साथ साथ तैयारी हो रही है मार्कशीट की। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली इंटर और मैट्रिक की कॉपियों का जांच के साथ साथ परीक्षार्थियों का रिजल्ट यानी मार्कशीट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है और भारत में इस पहला मुकाम हासिल करने जा रही है बिहार बोर्ड। बता दें कि मूल्यांकन कर ली गई कॉपियों के नंबर संबंधित छात्र छात्राओं के रोल नंबर के साथ विशेष ऐप के जरिए अपलोड किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के साथ कॉपियों की जांच होने के साथ सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन 8 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। 17 मार्च तक मैट्रिक की कॉपियों की मूल्यांकन जो है पूरी कर ली जाएगी। वहीं परीक्षक प्रधान यदि चाहे तो 25 से ज्यादा कॉपियों की जांच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। वहीं परीक्षक प्रधान सबसे प्रमुख काम है परीक्षकों का द्वारा मूल्यांकन की गई 10% कॉपियों की जांच करना ताकि किसी तरह की त्रुटि ना रहे। वहीं राज्य भर में मूल्यांकन केंद्रों पर 2 करोड़ से अधिक कॉपियों की जांच की जाएगी। यहां पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रहा है कि आपको बता दें कि BSEB 12th एग्जाम 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन 26 फरवरी 2022 से चल रही है और 8 मार्च तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं, देखिए कॉपियों के मूल्यांकन के बाद टॉपरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हां, जो बिहार बोर्ड में टॉपर आएंगे BSEB 12th एग्जाम 2022 की कॉपियों के मूल्यांकन जल्द पूरी होने के बाद इसके साथ ही साथ सभी परीक्षार्थियों की मार्कशीट भी तैयार की गई है। वहीं इसके बाद बिहार टॉपर्स की पहचान करेगा और उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी। यह सबसे बड़ी बात है, इसके लिए टॉपर्स को सूचित कर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और वहीं टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम भी पूरी होने के बाद इंटर का रिजल्ट तुरंत घोषित किया जाएगा। बोर्ड की माने तो मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। जी हां, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन मैं बिहार बोर्ड से जुड़ी दे दिया हूं। चैनल पर न्यूज़ है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए aajkahindinews.com, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके जरूर ज्वाइन होके। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।
रही हूँ नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं।